इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अब कुर्सी संभालते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में वो अब वार्ड वार दौरा कर रहे हैं और वहां की समस्याओं को लेकर अपना कड़क अंदाज निगम अफसरों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेसी पार्षद के वार्ड में गंदगी देखते ही उनको गुस्सा आया और ऑन द स्पॉट उन्होंने नगर निगम के अफसरों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे डाला। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कड़ा अंदाज, वार्ड में घूमकर दिखाया एक्शन, हाथों हाथ दिया अल्टीमेटम। पार्षद ममता सुनेर के वार्ड में गंदगी देखकर भड़क गए चिंटू चौकसे, वार्ड को बताया इंदौर का नरक। नगर निगम इंदौर में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालते ही चिंटू चौकसे ने एक्शन दिखाना तेज कर दिया है। पहले डिनर पार्टी में पार्षदों को ट्रेनिंग देने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड में गंदगी का आलम देखने के लिए मैदानी दौरे शुरू कर दिए। इसी कड़ी में गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड में पहुंचे चिंटू चौकसे ने क्षेत्र की कांग्रेसी पार्षद ममता सुभाष सुनेर के साथ वार्ड की गलियों को नापा और गंदगी देखते ही रहवासियों के सामने नगर निगम के अफसरों को 7 दिन में गंदगी हटाने और तमाम समस्याओं को दूर करने का अल्टीमेटम दे डाला। क्या पोजीशन है, क्या गंदगी है, ये मंदिर का क्या ये स्वच्छता इंदौर की, ये नरक है, ये नगर निगम और ये नगर निगम की स्वच्छता अभियान और ये स्वच्छता पूरे शहर भर में हम साफ सफाई और स्वच्छता का ढिंढोरा पीट रहे हैं और सर और इंदौर शहर में नरक जैसी स्थिति जी रहे लोग। कहाँ है नगर निगम, कहाँ है अधिकारी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है नगर निगम के क्षेत्र में, ये स्थिति है और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब लोग जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, इधर सुअर है, इधर गंदगी है, इधर चेंबर टूटे पड़े, इधर डाउन पंप टूटे पड़े हुए हैं, पानी ड्रेनेज का पानी रोड पे बह रहा है, बाल्टियाँ जर्जर स्थिति में, ऊपर नीचे जा नहीं सकते हैं मतलब क्या पोजीशन है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक नर्क ही नर्क है। मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 7 दिन में समस्या दूर नहीं होने पर चक्का जाम करने तक की चेतावनी दी। हमारी आपके माध्यम से नगर निगम इंदौर के वो जो जितने भी आला अधिकारी हैं उनको चेतावनी है कि यहाँ के काम जल्द से जल्द किए जाएं। 7 दिन का 7 दिन का अल्टीमेटम है, आज का दिन है गुरुवार, अगर अगले गुरुवार तक काम नहीं हुआ तो शुक्रवार को पूरी कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी मेन रोड पर। इस प्रकार के शहर में हम लोग नियमित रूप से राउंड करेंगे, खासकर आउटर सिटी में। अंदर का तो अच्छा दिखा देते हो, आउटर सिटी कहाँ है, आउटर सिटी के जितने भी वार्ड हैं वहाँ सब जगह राउंड करेंगे हम लोग और जनहित के मुद्दों को ताकत से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि निचली बस्तियों में भी स्वच्छता कायम रहे और ड्रेनेज के पानी के लीकेज से लेकर गंदगी को वार्ड वार दूर किया जाए ताकि नगर निगम के सुस्त अफसरों को चेताया जा सके और इंदौर की साफ सफाई कायम रखी जा सके। देखो आप ड्रेनेज ओपन बह रही है, सड़क टूटी है, पानी है नहीं, गंदा पानी है, चेंबर के ढक्कन टूटे हैं, डाउन पाइप टूटे हैं। एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की सड़क बात कर रहे हैं, स्वच्छ इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर हमारी शान है, लेकिन अगर हम इस कॉलोनी को देखें ये भी इंदौर में ही है तो ऐसा लगता है धब्बा है। और नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो आयुक्त महोदय हो, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, क्या ये नींद में सो रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा है कि इंदौर में कहाँ है आपके एनजीओ वाले। 100% मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर अगर यहाँ का संपूर्ण काम नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी मेन रोड चक्का जाम करेगी। कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन भांदोलन कुछ नहीं, ज्ञापन व्यापन कुछ नहीं, सीधे के सीधे पूरी की पूरी पब्लिक के साथ मेन रोड पर चक्का जाम किया जाए कि नर्क के जीवन जीने के लिए लोगों को हम मजबूर करेंगे। शर्म की बात है कि अधिकारी सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं, इनको दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है आपकी एनजीओ की टीम, आप तो मीटर टू मीटर सफाई की बात करते हो, आपने मीटर टू मीटर नाप रखा है कितने मीटर में ये सफाई करेगा इतने मीटर में, तो आपका मीटर कहाँ, यहाँ पे टेप खत्म हो गई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तारीफ करने में भी बेबाकी दिखाई और उनके बजाय अधिकारियों को खुले अंदाज में नसीहत दे डाली। महापौर जी अभी आए तो हम महापौर जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अधिकारी सब पुराने, बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी समझ रहे हैं वो भी आगे कैसा काम करेंगे, हमें आशा है अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो तैयार है हम लोग
मजबूत विपक्ष विरोध करने के लिए, और अच्छा करेंगे तो मैंने बोला प्रशंसा करने के लिए भी तैयार है सार्वजनिक रूप से। लेकिन अभी बात महापौर जी को लेकर नहीं हो, बात हो रही अधिकारियों को लेकर। बरसों से जमे जमाए अधिकारी है, जो लोग व्यवस्था संभाले वो दो दो तीन तीन चार चार साल से इंदौर में रचे बसे हैं, सब लोग दिन भर घूमते हैं गाड़ियों में। कुल मिलाकर कांग्रेसी पार्षद नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का यह दबंग अंदाज देखकर ये तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नगर निगम के गलियारों में सियासत के साथ साथ पक्ष विपक्ष जनता के मुद्दों पर जागरूक लोकतंत्र का धर्म निभाना जरूर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।